करने को कहाँ था, इसको क्या लेंगे और इसको क्या लेंगे, r cos theta is equal to minus 1 and r sin theta is equal to minus 1 और minus iota, minus 1, iota नहीं लेना साथ में. Now let this be your equation number 1, this be your equation number 2, squaring and adding. So we will be having r square into sin square theta plus cos square theta is equal to 1 plus 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा. Sin square theta plus cos square theta is 1. So r square equal to 2, r is equal to root 2. R की हमेशा आपने positive value लेनी है, negative नहीं लेनी है. अब ये चीज आ गई. अब हमने क्या करना है, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा. एंगल थीटा जब हम निकालेंगे तो थीटा के लिए आप क्या लेके चलोगे, cos थीटा 1 है, sin थीटा भी आपका 1 है, तो tan थीटा 1 आ जाएगा, यानी कि थीटा क्या हो गया, पाई बाय 4, अल्फा की वैल्यू हो गई आपकी पाई बाय 4. अल्फा के फॉर्म में लिख लो इसको. अब आपका जो है cos वाली टर्म है दैट इज आल्सो नेगेटिव, एंड जो साइन वाली है दैट इज आल्सो नेगेटिव. अब मैंने यहाँ एक मिस्टेक की है. क्या मिस्टेक की है मैंने, cos थीटा है जो मेरा यहाँ पे, अगर मैं थीटा की बात करती हूँ तो माइनस वन अपॉन r आएगा. r कितना है, रूट टू, ठीक है, तो यहाँ माइनस वन बाय रूट टू अपॉन माइनस वन बाय रूट टू, क्योंकि मैंने यहाँ थीटा मेंशन किया है तो यहाँ भी थीटा लिख रही हूं मैं. दिस इज वन, तो आपका थीटा आ गया पाई बाय फोर, लेकिन जब हम इसको लेके देखेंगे तो माइनस वन और माइनस आयोटा, कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, दोनों नेगेटिव है. थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लेके चलते हैं, माइनस पाई प्लस थीटा. एंगल कैसे निकालते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस पाई प्लस थीटा. तो दिस इज माइनस पाई प्लस पाई बाय फोर, कितना आ जाएगा ये, माइनस थ्री पाई बाय फोर. तो आपका पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा, माइनस थ्री पाई बाय फोर. क्लियर, चले अगले पे. एग्जाम्पल जो रह गया था कल वो करवा रही हूँ. हाँ जी, हाँ ओके, एसर्शन और रीजनिंग वाला था. आ जाओ, एक्स प्लस आयोटा वाई कितना था, इक्वल टू पाई बाय फोर. ओके ओके ओके, दिस इज इक्वल टू, और ये भी पाई बाय फोर था, और क्या था, वाई इज इक्वल टू एक्स, ट्रू था ये, मतलब एसर्शन भी ट्रू था और रीजन भी ट्रू था. यहाँ पे क्या लेके चलोगे आप, कॉस थीटा क्या लोगे, एक्स, हाँ, तो वहां से क्या आ जाएगा आपके पास, वो निकाल लोगे, टेन थीटा वन आ जाएगा ना कैंसल आउट होके, तो टेन थीटा वन है, यानी कि थीटा आ गया आपका पाई बाय फोर, एम्पलीट्यूड पाई बाय फोर हो गया उसका. अब इस केस में अगर हम लेके चलें, साइन वाई बनेगा और यहाँ पे y बाय आर और x बाय आर, तो y अपॉन r और x बाय आर में r कैंसिल आउट हो गया. व्हेन y इज इक्वल टू x, तो अगेन दिस विल बी इक्वल टू 1, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा पाई बाय 4. तो असर्शन भी ट्रू था, रीजन भी ट्रू, ठीक है. बाकी हो गए थे क्वेश्चंस, हाँ जी, उसमें तो सिंपल था, एक्स प्लस एक्स इनवर्स को वन बाय एक्स लिख लेना था, इक्वल टू क्या था, 2.5 था आई थिंक,
तो 2.5 मींस 25 बाय 10 हो गया, ये 5 बाय 2 हो गया। तो अब इसका एलसीएम ले लो, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। टेंथ वाला क्वेश्चन बन गया ये। स्टेटमेंट की फॉर्म डिफरेंट थी ना, डिस्क्रिमिनेंट निकालना था आगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो। समझ आया कि नहीं? हाँ जी, आगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटे, ये निकालना था हमें। करूं आगे क्यों हो जाएगा? और कोई क्वेश्चन बताओ। क्या था ये? क्या था? ए यूनियन इक्वल थे ये। ओके अब देखो यहाँ पे ए यूनियन बी का रिजल्ट ए यूनियन सी के इक्वल कब होगा? ए कॉमन है दोनों में, जब बी और सी इक्वल होंगे। यहाँ पे भी सेम, ए कॉमन है दोनों में, तो जब बी इक्वल टू सी होगा तभी ये रिजल्ट आपका ट्रू होगा। कौन सा? क्यों? ए कॉमन है ना। साथ में ये कंडीशन भी एंड में है ना, ये ना होती तब वो चीज थी। दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू कब होंगी? व्हेन बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, और हाँ जी मैं एक बार इनके सॉल्यूशंस भेज दूंगी आपको। ठीक है कितने मार्क्स आए? 19। कौन सा गलत था? मेघा इस वाले में। फोर आना था उसका आंसर, एन की वैल्यू 4 के लिए वो कंडीशन आपकी ट्रू होनी। मिल गया क्वेश्चन? मिला कि नहीं? ओके अच्छा, नेक्स्ट है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 अपॉन कॉस 5 बाय 3 प्लस आयोटा साइन 5 बाय 3। हाँ जी क्या करें? क्या आएगी? माइनस 1। ये ध्यान देना है यहाँ पे आयोटा वाला जो है वो साइन बनेगा, तो दैट विल बी प्लस 1, और कॉस थीटा वाली जो टर्म है दैट विल बी माइनस 1। अब आर स्क्वायर कितना आ गया? 2। आर कितना आ गया? रूट 2। एमसीक्यू फॉर्म है तो शॉर्ट में कर लेना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इधर वाला करके उसका रूट ले लो सिंपली, वो आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी। अब थीटा टेन थीटा माइनस 1 हो गया। अब कॉस नेगेटिव है साइन पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में किस हिसाब से लोगे? अब पाई माइनस अल्फा कितने? अल्फा कितने हैं यहाँ पे? हाँ 3π/4। ठीक है, अब पहले इसको क्या फॉर्म क्या बनी इसकी? ठीक, अब इधर क्या करेंगे? आयोटा माइनस 1 की जगह लिख लेंगे रूट 2 कॉस 3π/4 प्लस साइन 3π/4।
नेक्स्ट स्टेप थीटा वन माइनस थीटा टू कर देंगे, कल आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, ये अब क्या आ जाएगा, ये दिस इज रूट टू सिस 9 pi माइनस 4 pi, एलसीएम ले लिया इसका, सो दिस इज रूट टू सिस 5 pi बाई 12, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगर ऐसे ही ये मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो सिस थीटा वन प्लस थीटा टू आ, उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म है हमारी दैट इज एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू रूट ए माइनस आयोटा बी, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या करेंगे, हाँ जी क्या आएगा, जहां पे भी ये नेगेटिव या पॉजिटिव में गिवन है और इधर इनके स्क्वायर्स का सम आ रहा है, आपने कॉन्जुगेट लेके दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, सो दिस विल बी एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आएगा, यहां स्क्वायर होगा, चेक करो जरा वो नई वाली में, मेरे पास नहीं है एक्चुअली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये स्क्वायर में है, सो अब ये रूट में आ रहा है, रूट हटाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन है, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। Then question number 10, बातें आगे आ जाओ पूरब, जेड वन गिवन है हमें 2 minus iota, जेड टू गिवन है हमें 1 plus iota, एंड वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू प्लस 1 upon जेड वन माइनस जेड टू प्लस आई होगा, क्या करें, क्या आएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 minus iota, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां क्या बचा 4, Now what is this equal to? A plus iota b की फॉर्म में लिखोगे पहले इसको, क्या आएगा 4 into 1 plus iota अपॉन में 2, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 2 into 1 plus iota, अब क्या करें, क्या आएगा, मॉड्यूलस निकालना है ना इसका,
रूट एट आई, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला वही स्क्वेयरिंग एंड कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके करोगे, देन जेड वन टू माइनस आयोटा, जेड टू माइनस टू प्लस आयोटा, फाइंड द रियल ऑफ जेड वन जेड टू अपॉन जेड वन कॉन्जुगेट, एंड सेकेंड है इमेजिनरी ऑफ वन अपॉन जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट। क्या आएगा? प्लस वन लिखते माइनस आयोटा स्क्वायर को, क्या आएगा? आप माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा। चलो, और जेड वन का कॉन्जुगेट क्या आएगा? टू प्लस आयोटा, ये चाहिए। अब इधर जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट, पूरा आंसर बताइए इसका। Z2 है कॉन्जुगेट, तो ये लो माइनस टू माइनस आयोटा हो जाएगा। यहाँ माइनस वन है, प्लस वन है, क्यों? माइनस आएगा, यहाँ पे ये माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा हो गया ना, प्लस आयोटा स्क्वायर। हाँ, तो ये बन गया, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस फाइव, यही आ रहे। अब वैल्यूज पुट करो और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताओ। रियल ऑफ जेड वन जेड टू जेड वन जेड टू का है, दिस इज माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा अपॉन में जेड वन का कॉन्जुगेट है टू प्लस आयोटा। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करो, फिर जो सिंप्लीफाई करके आएगा उसका रियल पार्ट लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा इंटू टू माइनस आयोटा अपॉन में फोर प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट इज फाइव हो जाएगा। ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा सिंप्लीफाई करके? प्लस फोर हो जाएगा। देन माइनस टू प्लस इलेवन आयोटा बाय फाइव, तो रियल पार्ट इसका क्या आएगा? माइनस टू बाय फाइव। ठीक है, ऐसे ही इमेजिनरी ऑफ दिस, ये आप कैलकुलेट कर लोगे। मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट जहां पूछा है, पोलर फॉर्म में जो आर और थीटा निकालते हो वही सेम वैल्यूज दे दोगे। ठीक है, आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड दैट्स वन एंड द सेम थिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बताओ कैसे करेंगे। इसमें मोस्टली बच्चे गलती करते हैं। फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आयोटा y इंटू थ्री प्लस फाइव आयोटा, x माइनस आयोटा y इंटू थ्री प्लस फाइव आयोटा
यस दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, तो यहाँ प्लस जरूर लगाना है आपने, ध्यान रखना है। पीछे क्या है, आगे आ जाए यहाँ पे फर्स्ट बेंच पे, ये हो जाएगा अब नेक्स्ट, ये भी कर लोगे फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ, उससे अगला भी हो जाएगा। अब ये इस पे आओ, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा। चलो पूरा बताओ, हिंट दे देती हूँ, कॉन्जुगेट पूरे का ले लेने, ये किया हुआ है z इंटू z, कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी की हुई है ना, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ बीटा फिर 1 से रिप्लेस कर दोगे, यानी कि इसको बीटा माइनस अल्फा अपॉन दिस को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू ये चीज पुट करोगे, देन सिंप्लीफाई करोगे जो भी कैलकुलेशन है। हाँ जी ये वाला कंसेप्ट यूज कर लोगे आप, ठीक है, ये कंसेप्ट यूज करोगे, इसको इसके मॉड्यूलस से, मतलब ये चीज नहीं है, मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर। कल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था आपका, हो गया था वो, हाँ वो इसमें ना जो आपकी ये प्रॉपर्टीज गिवन है इससे रिलेटेड, अगर आप चेक करो नेट पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। किसमें, उसको 1 डालोगे, यहां जब आप प्रोडक्ट लोगे तो वो वैल्यूज आ जाएंगी ना अकॉर्डिंगली आपके, यहां डाल के हाँ फिर वो कॉन्जुगेट वाला कंसेप्ट नहीं ना लोगे, हाँ फिर वो वाला आप डायरेक्ट ले लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटेग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आयोटा टू द पावर एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एक्स, नो सॉल्यूशन आंसर रट लिया, आगे हुआ कैसे, मान लो यहाँ पे प्लस कर दिया जाएगा फिर होगा कैसे करें बॉयज, क्या आएगा, रूट 2 रेज टू पावर एक्स, एक्स बाय 2 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है वहां से, तो नो इंटेग्रल सॉल्यूशन, नॉन जीरो इंटेग्रल सॉल्यूशन। देन 19 हो जाएगा, कॉन्जुगेट्स लेके मल्टीप्लाई कर देना है, लास्ट वाला 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर 1 एम, रैशनलाइज करके 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1, आगे टू आयोटा कैसे, ठीक है, 2 आयोटा अपॉन 2 रेज टू पावर एन इक्वल टू 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट होके आयोटा टू द पावर एम इक्वल टू 1, एम की मिनिमम वैल्यू 4 पे, आयोटा टू द पावर 4 आपका 1 होता है, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। सप्लीमेंट्री है बुक में, स्टेटमेंट बोलो, फाइंड द स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले नहीं है आपके सिलेबस में, यू नीड नॉट डू दैट,
ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, लेट दिस स्क्वायर रूट बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नाउ द नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 15 और 2xy इक्वल टू माइनस 8. 2xy इक्वल टू माइनस 8 मतलब x और y के साइंस डिफरेंट हो, ठीक है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव. अब यहां से पॉजिटिव की निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, पुट द वैल्यूज, 15 का स्क्वायर, 8 का, दिस इज 289. रूट लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, क्योंकि स्क्वायर्स का सम है तो यू हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू ओनली, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17. अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास माइनस 15, ये कैंसिल आउट होके 2x² इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, एक्स स्क्वायर 1 है तो एक्स कितना आएगा, प्लस माइनस 1, दोनों वैल्यूज लेनी है यहाँ, ये ध्यान रखना. अब जब एक्स पॉजिटिव है वाई आपका नेगेटिव आएगा अकॉर्डिंग टू दिस, और जब एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव आएगा अकॉर्डिंग टू दिस. इसमें नहीं पुट करोगे ये ध्यान रखना, नहीं तो फिर आगे 4 वैल्यूज आ जाती हैं, उसमें से फिर पुट करके चेक करनी पड़ती है कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कौन सी नहीं कर रही है. तो 2xy इज इक्वल टू माइनस 8 व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1 2xy इज इक्वल टू माइनस 8. x को 1 पुट करोगे y 4 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 4 आएगा, इधर माइनस है, ठीक है. अब यहाँ पे नंबर क्या बनेगा आपका, ठीक है, क्लियर. एक और टाइप रह गई है जिसमें आपको z इज इक्वल टू गिवन होता था स्क्वायर, उसको आयोटा वाली टर्म एक तरफ रख के फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके डिवाइड करके करते थे, एक बस वो टाइप रह गई है, दैट वी विल डिस्कस टुमारो. बच्चे इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क, अदरवाइज एज द टाइम इज ओवर सो आई एम एंडिंग द मीटिंग. अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. So thank you, have a nice day.